देवास जिले के कन्नौज थाना पुलिस ने मुखबिर से सूचना पर ग्राम खारपा में दबिश देकर फारूक के घर से काले हिरण का मांस और खाल बरामद की। पुलिस ने फारूक को गिरफ्तार किया, जिसने अपने घर के फ्रिज में 11 किलो मांस छुपा कर रखा था। पुलिस पूछताछ में फारूक ने बताया कि उसने मंगलवार रात्रि मुहाई के जंगल में जाल लगाकर काले हिरण का शिकार किया था तथा कुछ मांस पकाकर खा गए थे एवं शेष मांस को फ्रिज में रख दिया था। आरोपी ने अपने एक साथी का नाम आलम पिता भागमल निवासी खारपा बताया, जो कि फरार है। पुलिस ने शिकार में उपयोग किए गए चाकू, हसिया और एक कुल्हाड़ी जब्त की तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा में मामला दर्ज कर आरोपी फारूक पिता अजीज को गिरफ्तार किया एवं फरार आरोपी आलम की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह परिहार ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि फारूक ने काला हिरण का शिकार कर मांस व खाल घर में छुपा कर रखी है, जिस पर टीम ने सात दबिश देकर आवश्यक कार्यवाही की। मैं दो आरोपी हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है जी। एक किरदार जारी है और ये ब्लैक बक जो है विशिष्ट प्रकृति का दुर्लभ प्राणी है जी। ये इसमें जैव विविधता अधिनियम 1982 की धाराओं का भी इसमें इजाफा किया जाएगा जी। और जो इसमें फिलहाल जो है धारा 2, 9, 43, 44, 48 और 51 जी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत FIR की गई है। आरोपियों के विरुद्ध जी बहुत कार्रवाई की जा रही है जी सर। देवास से रईस पठन की रिपोर्ट।